हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर की। कौन से शेयर की? अंबर इंटरप्राइजेस की। देखिए, आज के डेट में 5 से 6% की गिरावट होती हुई नजर आई है। और क्यों हुई है गिरावट, उससे रीज़न देखेंगे, बट गिरावट को तो साइड में छोड़ो। एक बहुत बड़ी बाइंग होती हुई नज़र आई है लास्ट के एक आर में, वो आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पीछे पड़े हैं गिरने के बाद भी। तो अगर आपको बताऊं कि देखिए, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी यहाँ पर गिरती हुई नज़र आती है, और बेकार रिजल्ट के बाद भी यहाँ पर अगर कॉनकॉर्ड की बात करें, बस केवल न्यूज़ थी और शेयर उस बेकार रिजल्ट के बाद भी भागता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज, अगर मैं आपको गिना दूँ तो आप देखेंगे पॉलीमेड, अंबर इंटरप्राइजेज, ओके, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए। और स्टील कंपनी का यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई, ब्लू स्टार है, अगर बात करें यहाँ पर वोल्टास, सबके रिजल्ट बेहतरीन थे बट गिरती हुई नज़र आई। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस बात का याद रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको डेली बेसिस पर मिले। और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है लिंक पे क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, और कल की डेट में भी यहाँ पर काफी सारे वीडियोस के बनाई गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज की डेट में मार्केट में गिरावट थी, ओके, यहाँ पर मार्केट अच्छी नहीं थी, दैट्स द रीजन कि यहाँ पर शेयर आज की डेट में चलते हुए नजर नहीं आए। बट कोई इशू नहीं है, काफी बेहतरीन शेयर पर आप बैठे हुए हो, आप थोड़ा सा वेट करो, भागते हुए नजर आएंगे शेयर। बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेज, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है इसका, काफी बेहतरीन है, ओके, कंपनी को आए हुए 3 साल के लगभग हुए हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने दिए हैं, एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दिए, 6 महीने में यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे दिए। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर 6 महीने की, तो देखिए लगभग 3 महीने से ये शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और लगभग 30% की गिरावट नज़र आ रही है, क्योंकि 3662 रुपीज़ से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन भी ये शेयर लगभग 5% 5.5% गिरता हुआ नज़र आया। यहाँ पर ऑपरेटर्स देखिए हावी रहते हैं अच्छे शेयर्स को, कौन नहीं खरीदना चाहता, हर कोई खरीदना चाहता है। और तब जब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हो, हाईएस्ट एवर नंबर्स आए हो, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हो, इस केस में हमेशा बड़े बड़े लोग उन शेयरों को देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डरा के, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनका देखिए उन्होंने नीचे लेवल पर ऑलरेडी खरीद रखा है, थोड़ा सा डंप करेंगे और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 5% गिर के एक साथ बेच के निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वही लोग दोबारा खरीदते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 30% पहली बार तो शेयर गिर चुका है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर इस क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाया। तो सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के अगर आप डील करेंगे तो आपको पता चलेगा शेयर काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई प्रमोटर्स का जितने भी शेयर है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, देखिए 1191 रुपये का 52 वीक लो और 52 वीक हाई 5 मार्च को था, लगभग 3 महीने होने वाले तब से शेयर चल ही नहीं रहा। 70% की डिलीवरीज, 182,000 शेयर गिरने के बावजूद भी उठाए गए, क्योंकि ऐसे शेयर कोई बेचना ही नहीं चाहता। अगर हम यहाँ पर बात करें, 3 महीने से रिटर्न्स बेकार दी है, बट अगर जितना लॉन्ग टर्म रखा है, एक साल भी जिसने रखा है ना, 133% के रिटर्न है, 2 साल में 300 और 3 साल में 152% के रिटर्न यहाँ पर ये कंपनी देती हुई नजर आ रही है। करती क्या है, तो करती के बाद बात करें तो ACs बनाती है, PLI स्कीम जो बनी है 10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर PLI स्कीम में दिया जाएगा, तो 4-5% यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। उस केस में PLI स्कीम का पूरा फायदा लेंगे LG, करियर, जॉन डीरे, LG, ब्लू स्टार, महिंद्रा, गोदरेज, ये जितने भी ACs आते हैं ना, ये सारे के सारे यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इस चीज़ को थोड़ा दे, हिटाची काफ़ी बेहतरीन नंबर आज के डेट में आते हुए दिखाई दिए, जो कि आपको अगली वीडियो में मैं आपको पेश भी करूँगा। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर अंबर इंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.6% मार्केट शेयर इसी का है, केवल इसी कंपनी का है, इस बात को याद रखिएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, 9,873 करोड़ का मार्केट कैप है, 23% के आसपास स्टैट है, बट कोई इशू नहीं है, हाईएस्ट एवर नंबर है, तो जो कि कम होता हुआ दिखाई दे देगा। प्लाइजिंग की बात करें, 0% की प्लाइजिंग है, ओके, एज वेल एज अगर यहाँ देखते हैं, देखिए 708 का 12, पिछले 12 क्वार्टर की बात करें तो 708 करोड़ रुपए की सेल्स 1598, मतलब 1600 करोड़ में तब्दील हो गई है, 2 टाइम से ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर जब हाईएस्ट एवर नंबर्स आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है ये आपको अच्छा खासा यहाँ पर ये इस कंपनी को कोई भी उठाता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके लिए बाई
भाई हुक और बाइक क्रो किसी भी दाशाम दाम दंड वेट किसी भी नीति का यूज करना पड़े तो वही यूज नीति यूज करके लोग यहाँ पर उठा रहे हैं शेयर को। अगर बात करें यहाँ पर सेल्स की तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखते हैं पिछले तीन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का, ओके, कोरोना का पेंडेमिक का यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है, इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें ईयरली बेसिस पे गिरावट है। अदरवाइज बात करें कंसिस्टेंसी में थी ये कंपनी और आगे चल के जब ये लॉकडाउन दोबारा से शुरू खत्म हो जाएगा तो आपको पता है कि ये कंपनी फिर दोबारा भागती हुई नजर आएगी और अगली बार जो रिजल्ट पेश करेगी काफ़ी बेहतरीन करेगी, क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ पर और ज़्यादा एसीज खरीदते हुए दिखाई देंगे और मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर इसी ने कर रखा है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर से थोड़ा सा कम है, मतलब कम है, जो जिसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें 1570 करोड़ के रिजर्व्स है, बड़ा यहाँ पर कम हो करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च करती हुई दिखाई दे रही है, ओके, वर्किंग प्रोग्रेस में खर्च करते हैं तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, क्यों? उन्हें पता है कि भाई हम सबसे बड़े प्लेयर है। ट्रेड रिसीवेबल 1000 करोड़ के आसपास है, 290 करोड़ का कैश है, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होता है सीधे बुक्स में आता हुआ दिखाई देता है। और बात करें यहाँ पर 40% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है, FIIs के पास देखे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 28% के शेयर है, ओके। आपको अब भी लगता है कि आपको ऐसी कंपनी को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 28% के शेयर है, DIIs के पास 8% के लगभग शेयर है, और अगर बात करें यहाँ पर HNIs के पास 12-13% के, पब्लिक के पास केवल 12% के 10% के आसपास के शेयर है। तो पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, बाकी सारे के सारे शेयर अच्छे खासे होल्डिंग इन्हीं लोगों के पास है और यही लोग रखने वाले हैं क्योंकि इन्हें पता है इनकी कंपनी के पोटेंशियल से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये देखिए ये शेयर अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 30% की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, और मुझे नहीं लगता कि ये शेयर और ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। बट स्टिल अगर बात करते हैं यहाँ पर और कितना गिर सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक गिरता हुआ नज़र आ रहा है 2766 तक, और थोड़ा अगर गिरा या अगर 200 DMA की अगर नीचे आना होगा तो 2465 तक आ सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये शेयर इतना नीचे गिरेगा, यहाँ से बाउंस बैक दे देगा। क्यों बाउंस बैक दे देगा तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये लास्ट आवर्स में, एक घंटे के लास्ट आवर में यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, और छोटी मोटी बाइंग नहीं, बहुत बेहतरीन यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। यहाँ देख सकते हैं लगभग 45,300 शेयर यहाँ पर डेली यहाँ पर एक घंटे के अंदर अंदर उठाते हुए यहाँ पर पब्लिक देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये हरी कैंडल इसी चीज़ को दिखाती है कि ये शेयर कल की रेट में दोबारा अपसाइड मूव्स दिखा देगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के ध्यान में रख के अगर हम यहाँ पर काम करेंगे तो ये शेयर आपको दोबारा बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा, और आपको बाय ऑन डिप्स करनी है ऐसे शेयर में। ऐसे शेयर को आपको लूज़ नहीं करना, ऐसे शेयर को आपको बेचना नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से रखे जाते हैं। जब कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखा रही है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखा रही है, हाईएस्ट एवर सब चीज़ दिखा रही है तो ऐसे टाइम में शेयर बेचते नहीं है, ऐसे टाइम में शेयर को एक्युमुलेट करते हैं, ओके। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से रखो, अच्छे प्रॉफिट देगा। 30% के रिटर्न है जो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में आपको मिल जाएंगे, जो कि मार्केट केवल 20% के लिए रुकता है, आपको 30% के रिटर्न मेरे को लगता है 6 महीने में मिल जाएंगे, और 6 महीने में और साल की बात करें 60% के रिटर्न होते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। शेयर का नाम एम्बर एंटरप्राइजेज है, PLI स्कीम का पूरा फायदा मिलेगा। सो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी, डरना नहीं है, ओके, आपको ये शेयर को एक्युमुलेट करना है बाय ऑन डिप्स करके। तो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।